अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, आज की मेरी वीडियो थोड़ी डिफरेंट है क्योंकि आज मैं आया हूं एक सैलून जो है गुलिस्ताने जौहर में। जो ये मेरा हेयर डाई है ये भी मैंने इसी सैलून से करवाया है, तो मैंने सोचा क्यों ना यहां की वीडियो बनाऊं और आपको दानिश भाई से मिलवाऊं जो कि इन चीज़ों में हेयर कट और इन सब में एक्सपर्ट हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको मिलवाता हूँ दानिश भाई से और उनसे पूछते हैं कि ये सैलून जो है ये सिर्फ बॉयज़ के लिए है या गर्ल्स के लिए भी है और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं और कोई ऑफ़र है यहाँ पे, मींस के कोई डील्स वगैरह मिलेंगी या नहीं। तो आप लोग भी यहाँ पे ज़रूर आइएगा। चलें आपको मिलाते हैं दानिश भाई से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दानिश भाई आप? ठीक, आप सुनाए कैसे हैं? जी मैं भी अलहमदिल्ला ठीक हूँ। ये बताइए दानिश भाई कि ये सैलून कहाँ पर है आपका? ये सर गुलशन जौहर ब्लॉक 4 में है, वर्क सोसाइटी के अपोजिट। ठीक है। और यहाँ ये सिर्फ मेन का है या फिर वुमेन का भी है, मींस लेडीज एंड दोनों का है? बेसिकली सैलून मेंस का है लेकिन यहाँ वुमेन्स का भी काम होता है, वुमेन्स की भी सर्विस अवेलेबल है। अच्छा, तो क्या क्या सर्विस अवेलेबल है यहाँ पे? वुमेन्स की हेयर एक्सटेंसो, कैरेटिन, फेशियल वगैरह, प्रोटीन वगैरह, ये सब कुछ अवेलेबल है। और मेंस में ऑल सर्विस जो होती है मेंस की सब अवेलेबल है। अच्छा, और ये या मतलब प्राइस क्या है, जैसे आप कह रहे हैं कैरेटिन वगैरह और हेयर डाई के? इसके मुख्तलिफ हैं, इसमें पेज में हम डालते रहते हैं डील्स वगैरह, तो आप एक्सपर्ट डी एक्सपर्ट में सैलून के नाम से आप सर्च करें पेज फेसबुक पे, तो इंशाल्लाह आपको वहाँ पे है आपका पेज, इंस्टा पे भी आपको पेज मिल जाएगा डी एक्सपर्ट सैलून के नाम से। डी एक्सपर्ट के नाम से पेज है। और तो ठीक है दानिश भाई, ये बताइए तो आज आप क्या क्या करने वाले हैं? आज हम आपका करेंगे पहले हेयर कट, फिर बेड, फिर आपको देंगे हम फेस क्लीजिंग जो हमारी तरफ से होगी। अच्छा, थैंक यू दानिश भाई। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब दानिश भाई मेरा हेयर कट करने लगे हैं। किस टाइप का हेयर कट चाह रहे हैं, जैसे हम करते हैं? जी मैं यहाँ से फ्रेंड्स शेडेड करवाता हूँ अपना हेयर कट हमेशा, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो दानिश भाई आप शेडेड कर दें। ठीक है गाइस, हम इनका कलर भी चेंज करना चाह रहे हैं, तो आप इनको आइडियाज़ देंगे कौन सा कलर ये अप्लाई करें अभी इस बार? हाँ ज़रूर, आप मुझे आइडिया दें, कमेंट कीजिएगा ये वीडियो पे कि मैं किस कलर का हेयर डाई करवाऊँ दोबारा अगर मैं करवाऊँ तो। और दानिश भाई ये भी तो बताएं कि यहाँ पे कटिंग के क्या प्राइस हैं, हेयर कटिंग के? कटिंग के प्राइस 250 हैं। अच्छा, और बेड के 150 हैं। बेड के 150 और कटिंग के 250, यानी अगर आप बेड और कटिंग करवाते हो तो दानिश भाई यहाँ पे कोई डिस्काउंट मिलेगा? कटिंग शेप के अलावा आपको हर चीज़ में डिस्काउंट मिलेगा, फेशियल्स में डिस्काउंट मिलेगा, आप एक्सटेंसो वगैरह, कैरेटिन वगैरह कुछ भी कराएंगे, प्रोटीन। और अगर कोई बंदा जैसे कि ज़्यादा चीज़ें करवाता है तो उसमें हम डील्स दे देते हैं। और अगर कोई ये बोलता है कि मैं ऑल इन वन बाय अफान की तरफ से आया हूँ तो उसके लिए क्या डिस्काउंट होगा? उसके लिए हम 30% डिस्काउंट रख देते हैं। अच्छा, थैंक यू दानिश भाई। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है मेरा फाइनल लुक हेयर कट के बाद, और देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ये शेडेड है, ये हेयर कटिंग जो है शेडेड करवाई है मैंने। तो अब मेरा हेयर कट कंप्लीट हो गया है, तो अब दानिश भाई करेंगे मेरे फेस पे क्लेंजिंग, उसके बाद आपको दिखाते हैं आगे की वीडियो। देखिए फ्रेंड्स, ये स्किन पॉलिश मेरे लग गई है मेरे फेस पे एंड मेरे हैंड पे। तो अभी हम आपको इसका रिज़ल्ट दिखाते हैं कि आफ्टर रिज़ल्ट इसका कैसा आता है, क्योंकि यहाँ की स्किन पॉलिश भी बहुत अच्छी है
और उसका रिजल्ट बहुत बेस्ट है। तो गाइज देखिए मेरी क्लेंजिंग कंप्लीट हो गई है और उसके बाद कितना अच्छा लुक आया है और मेरा फेस बहुत सॉफ्ट हो गया है और बहुत अच्छी क्लेंजिंग है इसकी। तो गाइज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सब लोग यहाँ पे ज़रूर आएँ और अगर आप ये बोलते हैं कि हम ऑल इन वन बाय अफान की तरफ से आए हैं तो आपको 30% डिस्काउंट मिलेगा। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि ईद बहुत करीब है, बकरा ईद, तो आप लोग जल्द से जल्द यहाँ पर आइए, फेशियल करवाइए, हेयर कट करवाइए, बियर्ड करवाइए, शेव करवाइए, जो भी करवाना चाहते हैं सब करवाइए और 30% डिस्काउंट लीजिए मेरा नाम लेके। और गाइस मुझे इंस्टा पे फॉलो कीजिए, या मैं अपनी इंस्टा आईडी मेंशन कर रहा हूँ, इंस्टा पे फॉलो कीजिए मुझे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। मिलेंगे बहुत जल्द आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।